भरतपुर जिले की पंचायत समिति बयाना ग्राम पंचायत मेहरावर के सरपंच सुरेश चंद गुंसारिया ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में सरपंच सुरेश चंद गुंसारिया के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मेहरावर। यहां जो हमारे साथ है सरपंच सुरेश जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे विशेष बातचीत करने जा रहे हैं कि उनके एजेंडे क्या है, क्या पंचायत के मुद्दे हैं। विशेष बातचीत करते हैं सुरेश चंद जी सरपंच महोदय से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर साहब, पहले भी किसी पद पर रहे हो या पहली बार राजनीति में आए हैं, समाज सेवा का पहली बार सरोकार हो रहे हैं? सर मैं 2005 में चुनाव लड़ा हुआ था। जी जी जी। उस टाइम में थोड़ा मात खाए। जी जी। अब मैं 2000 उसमें मैं चुनाव जीत चुका हूँ। जी जी जी। और मेरा नाम सुरेश चंद गुंसारिया है। जी जी जी। हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। जी जी। मेरे पास में विकास भी आ रहे हैं। गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, 2005 में आप एक बार क्योंकि पराजित हुए, वापिस गाँव के लोगों ने आपको चुना? हाँ, तो मैं उनने अच्छा मतलब उनने मेरा बहुत बढ़िया सहयोग दिया। जी जी। मैं सबसे मतलब प्रेम भावी आदमी हूँ। बिल्कुल। मेरा कोई विरोध नहीं करता है, मेरी पंचायत बहुत अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी ग्राम पंचायत है बहुत अच्छी, अच्छी है, गांव के लोग कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की, क्योंकि कोरोना महामारी में पंचायतें विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ गई थी, वर्तमान में विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं? मेरे कार्यकाल साहब, जैसे मेरे जो मंत्री जी हैं, यानी मेरे एमएलए साहब हैं, यानी मेरे प्रधान साहब हैं, जी जी जी, मेरे यहाँ जो सब कर्मचारी हैं, सब नेता हैं, मेरे लिए अच्छा विकास देते हैं। जी जी। मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जी। क्या विकास करे हुए सरपंच साहब, दो वर्ष बीतने को क्या मतलब विकास करे? मैंने कुछ हेडपंप भी निकाले हैं। जी जी। और इंटरलॉन्ग भी की है। जी जी। आगे जैसे क्रीलेवन भी की है। जी जी। और जो कुछ काम आता है उसको मैं ठीक तरीका से करवाता हूँ। हमारे यहाँ कोई बात नहीं बन रही। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद में पंचायत विकास की गति में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हाँ, अब आगे मतलब ठीक तरीका से मेरा विकास हो रहा है। जी जी। और बढ़िया एकदम एक बन काम चला है। सरपंच साहब, विकास की बात करते हैं, ग्राम पंचायत में विशेष तौर से शिक्षा एक अहम एजेंडा है, तो शिक्षा के लिए पंचायत में क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए और क्या कमियां हैं? मेरे यहाँ जो कर्मचारी मास्टर लाइन लगी हुई है। जी जी। तो मेरे यहाँ जो सभी कर्मचारी मास्टर लाइन है। जी जी। मेरे यहाँ बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई कराते हैं और बहुत अच्छा अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं। जी जी। विशेष तौर से बात करते हैं समझा बालिका शिक्षा, तो बालिका शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आज भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में कमियाँ पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों को ज्यादा बाहर भेजते नहीं है, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? सर एक बात बताता हूँ कि जैसे मेरे नंगला होता। जी जी। ये 8वीं तक स्कूल है, मिडिल स्कूल, हमारी बच्चियां काफी दूर जाती हैं। जी जी जी। तो उनके लिए मैं यही चाहता हूं कि मेरे यहाँ बच्चियों के लिए 10वीं और 12वीं तक विद्यालय बन जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यालय की मांग कर रहे हैं, तो उसमें कभी इसके बारे में स्थानीय विधायक या प्रशासन को या कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में अवगत करवाया? हमने सर ये 12 नवम्बर जी 12 नवम्बर के उसमें अभियान में जी जी। हमने अपील भी की है प्रशासन गांव के संग। हाँ जी जी। तो मैंने बोला कि मेरे बच्चियां काफी दूर जाती हैं, क्योंकि हमारी यहाँ जो शादी योग की बच्ची है जाती जी है ना जी। तो तुम जाते हैं, हम काफी दूर भेजना भी नहीं चाहते, क्योंकि अपनी इज्जत और वो मतलब तो सही होनी चाहिए ना, तो इसलिए मेरे यहाँ स्कूल की जरूर प्रॉब्लम है। आगे सर मेरे यहाँ जो मेहरावर स्कूल है, ये हाई स्कूल है, लेकिन वहाँ कमरे की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चियाँ हैं, मैंने लेटरिन भी बनाई हुई है अभी। जी जी। और शौचालय जी जी, तो मैंने बहुत अच्छी बनाई है, ये हमारे अध्यापक हैं। जी जी। आगे ये है कि जो मेरी सेवा है ना, मैं तो फुल करूंगा, बल लेकिन ऊपर से जो पैसा आएगा तो मैं उसको काफी ऊंचा बना दूंगा। बिल्कुल। बिल्डिंग बना दूंगा। ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा अगर बजट दिया जाए तो पंचायत विकास की गति और बढ़ी जाएगी। हाँ, मेरे यहाँ पर विकास देते हुए मेरी आगे गति बढ़नी चाहिए, और मैं मतलब आगे शिक्षा का और भी वो दूंगा।
सरपंच साहब, अभी एक केंद्र ने एक विधेयक पारित किया, आपको बताया बच्चियों की जो शादी है 18 से 21 साल की जी, उसके पक्ष में है आप या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं 18 से 21 से पहले कोई शादी नहीं मैं होने दूंगा। जी जी हाँ, नहीं सरकार ने जो अभी एक विधेयक लाए हैं कि जो पास किया है कि 21 वर्ष के बाद ही बच्चियों की शादी की जाए, तो मैं 21 वर्ष के बाद में शादी कराऊंगा मेरे कार्यकाल में। सरकार ने यह गलत किया या सही किया इसके बारे में बताइए। ये तो सर ठीक है, लेकिन आज के समय के अनुसार जी जी तो ये सरकार ने गलत ही किया, क्योंकि आज के युग समय गंदा है। जी जी, तो ये मैं ठीक है बढ़िया है जो सरकार कर रही है वो तो मैं भी मंजूर हूँ उसमें, वरना थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है। यू नहीं आती है सर कि आज की एज में 15 साल की और 16 साल की बच्चियों के बच्ची बच्चा होते हैं जी जी, तो 21 वर्ष और 5 वर्ष को वो कहाँ ले जाएंगे? जी जी, तो मैच्योर हो जाती है आपका ये मानते हैं? ये मैं मानता हूँ कि जैसे कि बात मतलब थोड़ी डिफेक्ट हो जाती है जी जी, अड़चल आ जाती है जी जी, शान जाती है, इज्जत जाती है, बात ये है कि भाई माँ बाप वो तो ठीक है समझा, लेकिन कहीं के बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मैच्योरिटी भी आती है। हमारा तो ये माना, बाकी आप सब जनप्रतिनिधियों का कहना भी बात सही है क्योंकि बिल्कुल विकसित हो जाती है, वो आपकी अलग सोच है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं पंचायत के, अपने यहाँ जो स्थानीय विधायक है या अपने सांसद महोदय उनके तरफ से पंचायत में कोई बजट वगैरह स्वीकृत हुआ? नहीं, सांसद के यहाँ से भी आ रहा है मेरे पास जी, और मेरे MLA साहब भी उसे यहाँ पे आता है जी, और ठीक मेरा मतलब कार्यकाल ठीक तरीके से चल रहा है जी जी जी। सर साहब, ज्यादातर पंचायती राज के जैसे अपन नाम लेते हैं तो करप्शन शब्द हमेशा एक जुड़ के आता है, भ्रष्टाचार, वास्तव में यह पंचायती राज में की जो तह है वास्तव में इसमें पाया जाता है या क्या है? नहीं, मेरे यहाँ तो कोई भ्रष्टाचार नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी को क्यों परेशान करता हूँ कोई कर्मचारी? आसपास की पंचायतों में सुना होगा आपने? नहीं, मैंने तो साहब उनका तो वो जाने, मैंने नहीं सुना किसी का, मतलब मेरी यहाँ की बता रहा हूँ, मेरा तो यहाँ कार्यकाल ठीक चल रहा है, ठीक मेरे नेता मेरे कर्मचारी मास्टर जो कोई है ना, मेरे यहाँ तो कोई विवाद वाली बात नहीं है। जी जी, और सरकार और प्रशासन जो है अपने यहाँ जो, उनसे क्या और आशा रखते हैं या और किस प्रकार की कमी है पंचायत के अंदर? हमारे यहाँ पंचायत के कमी सर देखो, एक तो रोड वाली बात है जी, काफी जगह ऐसे रोड हैं जहाँ की इतनी कोई वाहन नहीं जा सकता है, बाइक भी नहीं जा सकती है, और इतना गहरा रास्ता खराब है काफी जगह है मेरी पंचायत में, तो उनकी ये कि उनमें कमी तो है साहब। मेरी सड़क मार्ग की समस्या है, तो इसके लिए आप अतिक्रमण वगैरह ऐसा कोई हटवाने का प्रयास किया गांव के लोगों के साथ? मैंने तो सर अभी ऐसी कोई बात नहीं आई, जो चौड़े रास्ता ही नहीं आए मेरे पास, मैं करूं कैसे, ना किसी ने मुझसे कुछ कहा ना मैंने कहा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात है सर साहब, एक बहुत बड़ी कमी दिख रही है कि BPL सर्वे 2002 के अंदर हुआ था, उसके बाद में आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ, हालांकि क्योंकि जो गरीब है उन जो वंचित है उनको आज भी लाभ नहीं मिल रहा, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे यहाँ काफ़ी लोग वंचित हैं, गरीब हैं, वरना ऐसे भी हैं जिनके टाटियों में बिल्कुल ऐसे खड़ी करके वो अपना आटा गीला करके दो रोटी खिलाते हैं बच्चे इनको। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कुछ होता है ना तो हम डीलर साहब है यानी हम सरपंच के यहाँ कोई गरीब आ जाता है तो हम उनको भी सहयोग देते हैं, वरना कुछ गरीब तो काफ़ी लोग हैं हमारे, तुम जानते हैं। सब साहब, नव वर्ष आ रहा है, गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष में साहब यही है, आपको मेरी शुभकामना और ग्राम पंचायत मेहरावर जी आपको हार्दिक स्वागत है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात, सरपंच जो सुरेश चंद जी, उनका कहना है कि नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि ग्राम पंचायत में अगर ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाता है तो हम विकास की गति को और भी बढ़ाएंगे। बढ़ाई जाए, धन्यवाद सरपंच, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।